देखिए बेटा, कल जब हम देख रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ, तो हमने कल क्या देखा था कि दो टिश्यू यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, दो लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम का हम सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पूरा इसकी एक्टिविटी कैसे हो रही है ना। ये देखिए, कल हमने सारा देख लिया था, फॉर्मेशन भी देख लिया था इसका, और साथ ही साथ इसकी एक्टिविटी भी देखी थी, और स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, सैपवुड और हार्टवुड, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमको आज नेक्स्ट देखना है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ये देखिए, सेकेंड जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है टिश्यू, वो कौन सा है? कॉर्क कैम्बियम। अब देखिए, स्टेम जो है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण कंटिन्यू उसकी गर्थ बढ़ती रहती है। गर्थ यानी क्या है? मोटाई। उसकी मोटाई जो है वो कंटिन्यू क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। तो जो आउटर कॉर्टिकल और इपिडर्मिस की लेयर है, मतलब सबसे आउटर जो लेयर्स होती हैं इपिडर्मिस की और कॉर्टेक्स की, तो वो ब्रेक होने लगेगी, टूटने लगती है, एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। अब जब वो टूटने लगेगी तो वहाँ पर फिर नई लेयर्स चाहिए जो कि स्टेम को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। तो जैसे ही ये टूटने लगेगी तो वहाँ पर एक दूसरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम, या फिर इसे फेलोजन भी कहा जाता है, ये डेवलप हो जाता है कहाँ पर? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और ये जो है फेलोजन, ये क्या होता है? बहुत सारी थिक लेयर्स का बना हुआ होता है, और ये जो लेयर्स हैं वो होती हैं नैरो, थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई। लेयर्स बहुत सारी हैं और वो किसकी बनी हुई है? नैरो, थिन वॉल्ड और रेक्टेंगुलर सेल्स की। तो ये कहाँ पर बनती है? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। अब ये जो फेलोजन है, ये क्या करता है? कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, ये भी दोनों तरफ की सेल्स को कट करेगा। तो आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, यानी बाहर की तरफ बनता है कॉर्क या फिर फेलम, और इनर सेल्स जो हैं वो काट के बनती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये कॉर्क कैम्बियम भी जैसे वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को कट कर रहा था, तो बाहर की तरफ क्या बन रहा था? सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पर जब आउटर सेल डिफरेंशिएट होती हैं तो बनता है कॉर्क या फिर फेलम, और इनर साइड पे जब ये कट होंगी तो यहाँ बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या बन रहा है? कॉर्क, और अंदर की तरफ फेलोडम। तो कॉर्क जो है वो होता है, कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल, मतलब कॉर्क में से वाटर जो है वो आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल में। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल है वो पेरेंकाइमेटस होती है, मतलब लीविंग सेल्स होंगी। तो फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडम। मतलब देखिए, तीन चीज़ें बोल रहे हैं हम, ये फेलोजन कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क यानी कि फेलम, और ये फेलोडम, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरिडम। तीनों को कंबाइनली क्या नाम दिया है हमने? मतलब ये तीनों चीज़ें मिला के हम क्या बोल रहे हैं? पेरिडम, ठीक है। और इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड होगा, बाकी की जो लेयर्स हैं, जो पेरिफेरल लेयर्स हैं, उन पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, और ये जो लेयर्स होती हैं ये डाई हो जाती हैं एंड स्लब, यानी कि डेड हो जाएंगी, और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क यानी कि छाल, ठीक है। तो बार्क इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के जितने भी टिश्यूज़ जो हैं बाहर की तरफ होते हैं, वो सबको हम क्या नाम दे रहे हैं? बार्क। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है,
सेकेंडरी फ्लोएम भी इसी में आ जाएगा क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के हमने बोला है। तो यहाँ पर देखिए बार्क में क्या क्या चीज़ें आ गई, पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म में तीनों, फेलोडर्म, फैलम और फैलोजन। तो ये पेरिडर्म नाम दिया था हमने और साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम भी यहाँ पर बार्क में इंक्लूड होता है। तो बार्क जब बनती है अर्ली इन द सीज़न तो उसे हम कहते हैं अर्ली और सॉफ्ट बार्क, और एंड ऑफ द सीज़न जो बार्क बनती है उसे हम कहते हैं लेट और हार्ड बार्क। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स मिलके क्या बना रही है, बार्क बना रही है। अब कुछ जगह पर जो फैलोजन है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स को कट करने लगता है आउटर साइड से, मतलब कॉर्क सेल की जगह वो पैरेन्काइमेटस सेल को कट करने लगेगा। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करेंगी, जब कट होने लगेगी तो ये एपिडर्मिस को रप्चर करती हैं और क्या बनाती है, एक लेंस शेप का ओपनिंग बनाती है स्टेम पे, जिसे हम कहते हैं लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स क्या हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फियर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम में जो गैसियस एक्सचेंज का काम है वो कौन कर रहा है, लेंटिकल्स कर रहा है। तो लेंटिकल्स भी किसके कारण बने, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण। तो ये क्लियर हुआ आपका कॉर्क कैम्बियम के कारण क्या क्या बन रहा है, एक तो बार्क और दूसरा लेंटिकल्स। क्लियर है, तो ये पूरा कौन सा टॉपिक पढ़ा है हमने, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी है।